तो भाई अभी अभी मथुरा जंक्शन पे आए हैं घर से निकल के, और आते ही देखिए क्या हो रहा है, सामने की तरफ इतना घना बादल होके आ रहा है भाई, लग रहा है फिर से बारिश होने वाली है। काय रो रही है? हाँ टिल्लू, टिल्लू को डांट दिया अंजलि ने और ये रो रही है। काय को बेटा टॉफी क्या कह रही? तो दोस्तों घर आ चुके हैं, और घर पे आने के बाद भाई एक नया ड्रामा मिला है। हमारी मैडम बीमार हो गई है। क्या हो गया मैडम जी? चक्कर आ रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हैं। पिछले 2-3 दिनों से नींद जल्दी खुल रही है, तो भाई जल्दी तैयार हो जाते हैं। चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है, गाड़ी हमारी फुल चार्ज है, तो निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए और अपना एक नया दिन और एक नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं। और भाई आजकल जो आपका प्यार और सपोर्ट मिलने लगा है ना, दिल बहुत खुश है। बस शायद 40 सब्सक्राइबर और बचे, उसके बाद अपन जो यूट्यूबर बनने की पहली सीढ़ी होती है ना, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना। 4000 घंटे का वॉच टाइम तो मेरा लगभग एक हफ्ते पहले ही पूरा हो चुका है। अभी मैं बात करूँ तो लगभग 5000 घंटे हो चुके हैं। बस सब्सक्राइबर्स पे एक गाड़ी अटकी हुई थी, वो भी अब 40 बचे हैं। तो आपका थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बढ़ाइए, 40 सब्सक्राइबर को पूरे करवाइए, उसके बाद जो पहली सीढ़ी पहला पायदान होता है उस पर अपना पैर रख जाएगा और आगे सफ़र शुरू होगा। 1000 से 2000, 2000 से 3000, जहाँ तक आप ले जा सको। तो चलिए इसी के साथ आज का दिन और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए निकलते हैं, गाड़ी की साफ सफाई मैं कर नहीं पाया हूँ अभी, तो जल्दी से कर लेता हूँ, निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आज एक बार फिर से वही भीगी भागी सी शुरुआत हो रही है। सुबह जगने से पहले से ही बूंदाबांदी हो रही है हल्की फुल्की, कहीं जल भरा पानी भरा हुआ तो नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत धीमी धीमी हो रही है, पर लगातार हो रही है भाई। आप पैदल चल रहे हो या कहीं एक जगह खुले में खड़े हो, आराम से आपको भिगा देगी, इतनी तेज है। वैसे ज्यादा वो नहीं है, फिर भी इसकी वजह से मौसम तो ठंडा हो ही जाता है। वैसे तो दोस्तों जैसे ही घर से निकल रहा था तो मौसम ने अपना हाल बता दिया था, पूरे के पूरे बादल काले हो रहे थे और सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो भाई मथुरा जंक्शन निकल के आया, मथुरा जंक्शन पहुंचते ही मेरे को सवारी मिल गई वृंदावन की। और भाई मथुरा से वृंदावन तक आते आते तीन जगह कहीं बारिश रुक जाती है, कहीं चल जाती है, कहीं रुक जाती है, कहीं चालू हो जाती है। तो ऐसे पैचेस में बारिश हो रही है कि जैसे किसी ने आसमान में छतरी लगा रखी हो कि जहाँ पे छाता लगा है वहाँ पानी नहीं पड़ेगा और जहाँ छाता नहीं है वहाँ पानी पड़ेगा। तो कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। फिलहाल वृंदावन आ चुके हैं, सवारी हमने छोड़ दी और मैं जा रहा हूँ भाई केशव धाम की तरफ, यानी कि प्रेम मंदिर के सामने की तरफ, क्योंकि अटल्ला चुंगी पे कंपटीशन बहुत है, बड़े बड़े ऑटो वाले लगे हुए हैं, वो नंबर नहीं आने दे रहे। तो प्रेम मंदिर की तरफ चलते हैं, वहाँ से सवारी देखेंगे। क्या करें भाई, अपनी जिंदगी ऐसी होती है, इधर से उधर भटकते रहो। और भैया शनिवार है तो शनिदेव महाराज के मंदिरों पे गाने चले हुए, लोग दिया जोड़ने के लिए आ रहे हैं। एक तो वृंदावन की पतली पतली गलियां और भाई हद से ज़्यादा ई रिक्शा। आप मथुरा वृंदावन पर कहीं भी चले जाओ, ये रिक्शा की कभी भी लाइन खत्म नहीं होती है भाई। अब इतने ज़्यादा हो गए कि इनसे ट्रैफिक पुलिस भी परेशान, इनसे लोकल पब्लिक परेशान और खुद ड्राइवर भी परेशान। बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है यार।
चलो भाई बाहर निकले इस जाम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वृंदावन का सुबह सुबह एक चक्कर लग गया था, उसको लगा के पहुंच गया था मथुरा जंक्शन पे, और भाई दूसरी सवारी का इंतजार करने लगा जैसा कि सारे गाड़ी वाले करते हैं। इंतजार करते करते 12:15 हो गए, भूख लगना शुरू हो गई थी और काम कुछ मिलने की उम्मीद भी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो मैंने चाबी ऑन की और सोच रहा था घर को निकल जाऊँ, खाना पीना खा के शाम को आएंगे, जैसे कि रोजाना चलती है अपनी ज़िंदगी, वैसा ही सोच के निकलने ही वाला था। तभी वृंदावन की कुछ सवारी आ गई मेरे पास कि भैया वृंदावन जाना है, और भाई किस्मत से जिस समय सवारी आई, वैसे तो कंपटीशन बहुत रहता है, लेकिन जिस समय सवारी आई उस समय सारे के सारे ड्राइवर ऐसे थे जो वृंदावन के एक या उससे ज़्यादा चक्कर लगा चुके थे, उनकी गाड़ी में बैटरी नहीं थी वृंदावन आने जाने के लिए, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। आपका भाई बचा हुआ था, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी कॉम्पिटिशन के, सारे लोगों ने खुद मना के मेरे पास सवारी लेके आए, भैया वृंदावन की सवारी छोड़ के आ जाओ। तो भाई उनको अभी अभी मैंने गौरी गोपाल आश्रम के पास, आनंद धाम आश्रम है वहाँ पे छोड़ दिया है। अब वापस मथुरा चलते हैं, दिन जो अच्छा था वो अच्छा हो चुका है, क्योंकि सुबह एक चक्कर लग गया और भाई घर जाने से पहले एक और लग गया, तो दो चक्कर वृंदावन के लग चुके हैं, तो दिन एक अच्छी काउंटिंग में आ गया है। थोड़ा सा शाम को और हो जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे, इतना बुरा दिन रहेगा नहीं। तो चलिए, शनिवार का दिन था, अभी तक तो अच्छा है, शाम की शाम को देखी जाएगी। घर निकलते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ से कुछ सवारी मिल जाए तो और बेहतर हो जाएगा। काय को रो रही है? हाँ टिल्लू, टिल्लू को डांट दिया अंजलि ने और ये रो रही है। काय को बेटा, टॉफी क्या कह रही, इतने पे रो गई टिल्लू? टिल्लू रो रही है, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। हेलो गाइस कर दो, टिल्लू करियो हेलो गाइस, हंस के हंस के, रोती हुई गंदी लगे। हेलो गाइस टिल्लू, हेलो गाइस कर कर एक बार कर, हेलो गाइस, हंस गई हंस गई हंस गई, ऐसे बंद मारे करे, ठीक है बाय कर दो, चलो बाय बाय, चलो भाई थोड़ा सा डांट दो उसी में रो जाती है। चलो भाई दोपहर का आराम खत्म हो गया, दोबारा से निकल रहे, सुबह का टाइम बहुत अच्छा हो गया था, आई होप कि शाम को भी कुछ है जाए ऐसा ही। वैसे उम्मीद तो मैं हर रोज़ लगा के जाता हूँ, हर रोज़ अपने मन के हिसाब से काम हो नहीं पाता, कल मेरे को घुमानी मिल गई थी, आज देखते हैं मथुरा जंक्शन जाके, आज कोई घुमानी तो है नहीं, जो भी करना है मथुरा जंक्शन पहुँच के ही करना है। चलिए, और हमारे ये दोनों अभी घर में अंदर रोने में लगी हुई थी, अब खेलने के लिए गाड़ी में आ गए, चलो निकलते हैं। तो भाई अभी अभी मथुरा जंक्शन पे आए हैं घर से निकल के, और आते ही देखिए क्या हो रहा है, सामने की तरफ इतना घना बादल होके आ रहा है भाई, लग रहा है फिर से बारिश होने वाली है, और मैंने अभी अभी गाड़ी को साफ किया है, बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ, जब जब मैं गाड़ी साफ करता हूँ तभी तब बादल आ जाता है यार, अब फिर से होके आ रहा है पूरा का पूरा, इधर सामने से लेके इधर तक ये देखिए पूरा काला काला हो रखा है भैया, बाली आने वाला है। भाई दोस्तों, जब जब बारिश का था मौसम होता था, या जब भी बारिश होती थी, मैं आपसे एक चीज जरूर कहता था कि अब पर्दे खोलने का मौका नहीं दे रहा बंसी वाला, आज भाई पर्दे खोलने का मौका भी दिया, और एक चीज भी बता दी कि जब बारिश में गाड़ी चलाते हैं ना तो भाई सवारी तो पूरी बच जाती है, लेकिन आगे का हिस्सा खुला रह गया है, तो मैं नहीं बच पाता यार, मैं पूरा भीग गया था, मुझे मथुरा जंक्शन पे था तभी बारिश हो रही थी, तभी सवारी आ गई, तो वो बोले भाई बरसते भी ले चलो हमको, तो भाई पर्दों की वजह से वो तो बच गए, लेकिन आगे मैं बैठा हुआ था, मैं भीग गया पूरा का पूरा, आगे वाले का और इंतजाम करवाना पड़ेगा कुछ यार। और भाई प्रेम मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ सवारी देखने के लिए, बहुत ज़बरदस्त भीड़ चल रही है भाई इधर भी। तो दोस्तों घर आ चुके हैं, और घर पे आने के बाद भाई एक नया ड्रामा मिला है, हमारी मैडम बीमार हो गई हैं। क्या हो गया मैडम जी? चक्कर आ रहे हैं, बुखार बुखार तो कुछ है नहीं, बुखार वुखार तो है नहीं कुछ, मैडम को चक्कर आ रहे हैं पता नहीं क्यों यार। शाम को 5 बजे के करीब मैं निकल के गया था घर से, और मथुरा जंक्शन पे पहुंचने के साथ ही बारिश शुरू हो गई, लगभग 1 से 1.5 घंटे बारिश में खड़े रहे, उसके बाद में वृंदावन की सवारी मिली, प्रेम मंदिर की सवारी छोड़ी, वहाँ से सवारी पकड़ी, आया सीधा घर, और भाई घर पे आके पता चला कि आज हमारी मैडम की तबीयत बिगड़ गई है, ना तो बुखार है
ना कोई और दिक्कत है, केवल चक्कर आ रहे हैं और उल्टी हो गई है मेरे आने से पहले। और भाई शाम को मैं 5 बजे गया था, बच्चे बता रहे कि 6 बजे की लाइट गई है शाम को, और अभी अभी आई है, अभी रात के 10:30 बजे हुए, 1 घंटे के करीब तो मुझे हो गया घर पर आए हुए, जब से लाइट थी नहीं तो छत पर बैठे हुए थे। क्या कर सकते हैं, अंदर कमरों में इतना ठंडा मौसम हुआ नहीं है कि रुका जाए, यहाँ पर लगती है गर्मी, छत पर ऊपर जाओ तो मच्छर काटते हैं, मुसीबत है भाई। तो लाइट वाइट से इतनी कोई दिक्कत है नहीं मुझे, मैडम की दिक्कत हो गई है भाई, इनको तबीयत तो ख़राब हो गई है, समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर का क्या नया प्रॉब्लम आ गया। वैसे शिकायतें तो कई जगह से मिल रही है चक्कर वाली। आज दोपहर में मेरी छोटी सिस्टर तुलसी से बात हो रही थी, वो भी बता रही थी कि जो बर्थडे वाला ब्लॉग मैंने बनाया था ना, तब से लेके अब तक उसके घर में कोई ना कोई, सबको यही दिक्कत चल रही है चक्कर वाली, कि खाना पीना ठीक से खाया नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैडम को डॉक्टर के पास भी कल लेके जाएंगे, तब पता चलेगा कि क्या दिक्कत हुई है, कैसे चक्कर आ रहे हैं। चला खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।